This video is brought to you by Infinix Hot 10S. ये खिलौना नहीं मगर इसके खेल कई 48 MP ट्रिपल कैमरा और 90 हर्ट्ज एक्स्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ नया Infinix Hot 10S starting at just ₹999. यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। गाँव वालों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े अलीगढ़ के संवाददाता शिवम सारस्वत ने बताया, अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में देसी शराब की एक दुकान है। 27 मई को यहां से कुछ लोगों ने शराब खरीद कर पी थी। इसके बाद इन लोगों की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है मृतकों का वे 22 है, लेकिन ये बढ़ सकता है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग अभी फरार हैं, जिन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। खबर के मुताबिक आसपास के कुछ गांव के लोगों ने यहां से शराब खरीदी थी। शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई है वो करसुआ, निमाना, हैवतपुर, अंडला आदि गाँव के हैं। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। हर एंगल से मामले की जाँच की जा रही है और घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी रेंज अलीगढ़ दीपक कुमार ने कहा कि आरोपी ऋषि कुमार और विपिन यादव पर 50,000 का इनाम रखा गया है। इनकी सूचना देने वाले शख्स को पुलिस की ओर से इनाम दिया जाएगा। साथ ही देसी शराब के ठेके को सील कर दिया गया है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। उन्होंने कहा कि अगर गलत शराब की बिक्री सरकारी ठेके से हुई है तो ठेके को सीज किया जाए और दोषियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी की जाए और उस पैसे को मृतकों के परिवार को दे दिया जाए। आज तक की एक खबर के मुताबिक इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी धीर शर्मा, प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र 3 श्लोक कुमार और आबकारी अधिकारी अलीगढ़ धीरज शर्मा, निरीक्षक चंद्र प्रकाश यादव और सिपाही रामराज राणा को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद 48 घंटों का विशेष अभियान शुरू किया गया है। अधिकृत आबकारी दुकानों का स्टॉक चेक किया जाएगा। 31 मई को आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी भेजी जाएगी। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 22 की मौत के बाद यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। रायबरेली में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया। 28 मई को जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। हालात ऐसे बने कि पुलिस की टीम ने तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस वालों को बचाया। रायबरेली के एसपी श्लोक कुमार ने कहा कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध शराब भी बरामद की गई है। अन्य लोग जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।